ये खुद में एक डॉक्टर हैं, लेकिन इनको बेसिक्स नहीं पता है। इनको क्या, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये किसी को नहीं पता, और क्योंकि ये मेडिकल साइंस की बुक्स में नहीं दिया है। ये मैंने पिछले 40 साल के अंदर, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, और ये 100% सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि घुटना चेंज होने के बाद में लोगों को चाल नॉर्मल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि घुटने खराब क्यों होते हैं। अभी मेरे पास आज के दिन में मेरे आज 3 पेशेंट आए हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, 30 से 40 साल के बीच में, और तीनों के घुटने खराब हैं, और उनके नी की कार्टिलेज अंदर की साइड में 1 mm रह गई है। परेशान इसलिए मेरे पास आए, मैं किसी को घर से बुलाने नहीं जाता। तो 40 साल में घुटने क्यों खराब हुए, उसका जो बेसिक रीजन है कि अगर आपके मकान की नींव की सबसे निचली ईंट ही टेढ़ी लगी हुई है, तो बिल्डिंग तो ऊपर दीवार फटेगी फटेगी या बिल्डिंग गिरेगी। तो इनके तल्ले का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ध्यान से देखिए, ये करीब करीब 45 डिग्री पैर इनके टेढ़े हैं। जब मैंने कहा इनको अपनी तरफ खींचिए, खींचिए डॉक्टर साहब, अब देखिए और ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल करीब 60 डिग्री हो गया, और इनके पैरों के बीच में, अंगूठों के बीच में एक गैप आ रहा है। ये गैप नहीं होना चाहिए, अंगूठे मिलने चाहिए, सब करें, ये पैर इनका ऐसे टेढ़े जा रहा है। अब मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, इनका पैर मैं सीधा नहीं कर पा रहा हूँ। अब इनकी कोई रिलेटिव है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा इन पैरों को सीधा करें। करिए सर, सीधा ज़रा करिए। अब इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत। हाँ, अब देखिए देखिए अंगूठे ही पास आने लग गए, और ये फ्लैट अभी फ्लैट नहीं हो पाया है। और करिए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। आप भी डॉक्टर साहब खींचिए ऊपर, इनको खींचिए खींचिए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। अभी फ्लैट पूरा फ्लैट नहीं हो पाया, अभी गड्ढा है इस जगह पर। यानी कि ये 100% फ्लैट हो, अगर मैं एक स्केल रखूं तो पूरा पूरा चिपक जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गर्म पानी की बाल्टी में पैरों को यहाँ तक डुबाएं, यहाँ से यहाँ तक पैरों को डुबाएं, और फिर आधा घंटा जब पानी ठंडा हो जाए, करीब 15 मिनट में पानी ठंडा हो जाता है, पैरों को बाहर निकाल लें और फिर पूरी ताकत यहाँ पे लगा दें। ऐसा करने में करिए, और करिए। अब इनकी डिस्क खराब है, L5-S1 डिस्क इनकी पूरी ब्लैक हो चुकी है, बाहर आ गई है, इसका असर इनकी डिस्क पे गया है, और घुटने भी खराब होंगे, बचने वाले नहीं हैं। अगर ये पैर सीधे नहीं हुए तो इनकी डिस्क तो चली गई है, घुटने भी, घुटनों की डिस्क भी नहीं बचेगी। वो एक काट ली तो ले गई है, अब ये काट ली, अब इसलिए मुझे ये सीधे करने करने पड़ेंगे, दिन में 4-5 बार इसको सीधा करने का है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? तो ये बेसिक चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, यदि किसी भी मरीज के ये सीधे नहीं हो पाते हैं तो पूरी जिंदगी घुटनों के अंदर आराम से नहीं जी पाएगा। यदि उसने नी रिप्लेसमेंट करा लिया है तो जैसे इसकी भगवान की दी कार्टिलेज 100 साल से पहले खराब हो गई, नी रिप्लेसमेंट ही 5 से 10 साल ही चलेगा, उसके बाद वो भी घिस जाएगा। तो माइंड इट, ये फ्लैट होना चाहिए, ये अंगूठे मिले रहने चाहिए, और पैर दोनों ऊपर जाएं तो ये फ्लैट आना चाहिए। अगर ये फ्लैट नहीं आ रहा है तो रिप्लेसमेंट भी फेल होगा और भगवान का दिया कार्टिलेज भी फेल होगा। यदि किसी की नींव की सबसे निचली टेढ़ी है तो दीवार तो फटेगी, चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए जो अच्छे कारीगर होते हैं, नींव की सबसे निचली ईंट को वो बहुत ईमानदारी से स्पिरिट लेवल लगा के 100% सीधा लगाते हैं। ये बेसिक सिद्धांत है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 0111424300।